वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी हालत में कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फ्रंटलाइन वर्करों के साथ आम जन को भी कोविड का वैक्सीन लगवाया जाए, जिसके लिए जिलाधिकारी और मंडलायुक्त समय समय पर बूथों का निरीक्षण करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड वैक्सीन की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में लोग पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करा लें, जिससे प्रदेश को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज की जो वीसी है ये कोविड के वैक्सीनेशन के संबंध में है, और मुझे आप लोगों से ये बताना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर का प्रथम चरण हुआ था उसमें हमारा टारगेट 909,561 था, जिसमें से कि 728,193 लोगों ने प्रथम डोज लिया है। 80% लोगों ने फर्स्ट डोज ली है। जो बच गए हैं उनको तो अभी जो हमारा फेस चल रहा है उसमें भी वो लगवा सकते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर का सेकेंड डोज है वो 4,77,743 लोगों को लगा है, और ये कुल टारगेट का 53% करवाना है ताकि सेकेंड डोज भी अधिक से अधिक लोगों को लग जाए। और मैं अभी फ्रंटलाइन वर्कर पर भी आता हूँ, उसमें एक चरण शुरू हुआ है। पहले हम हॉस्पिटल में भी अपनी टीम्स को लगा करके टीकाकरण कर रहे थे, लेकिन वो भारत सरकार ने जब 60+ का स्टार्ट हुआ तो वो मना कर दिया, अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर लेते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनमें अब सारा ही टीकाकरण भुगतान के आधार पर होगा, जो 250 रुपये आधार पर। जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनका लक्ष्य हमारा प्रदेश में 7,59,341 है, और इसके सापेक्ष फर्स्ट डोज अभी 5,59,988 लोगों को दी गई है, अर्थात 74% लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाए। हम नहीं कर रहे हैं सेकेंड डोज, उनका अभी होना है। लेकिन इसमें भी ये देखा गया था कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ही कम संख्या में फर्स्ट डोज भी लगवाया, तो उनको भी प्रेरित करना है। अभी जो चरण चल रहा है उसमें भी वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके लगवा सकते हैं। तो इस प्रतिशत को बढ़वाइए, सभी जिले इसको बढ़वाएं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसके हिसाब से अभी हम बहुत ही कम हैं। और आपको याद है कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अंतर्गत जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सोमवार से शनिवार तक 6 दिन, और जिला अस्पताल में भी सोमवार से शनिवार तक सभी 6 दिन वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। के दौरान जो कार्य हुए हैं उसका बेहतर परिणाम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ इसकी सफलता के साथ और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में इसकी समीक्षा करें कि प्रदेश के अंदर 4,600 के आसपास हमारे PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेंगे तो लगभग 4,600 के आसपास संख्या है। हर जनपद में ट्रेन मैन पावर और इस प्रत्येक सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था का हम कार्यक्रम कैसे आगे संचालित कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा। वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जनपद स्तर पर इसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए उसकी कमी दिखती है।